हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, कल जो हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे टू पार्ट्स में, उनको एक बार में जल्दी से देख लेते क्योंकि उनमें इंट्राडे की भी अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओके, चलिए देखते हैं। पहला था अवंती फीड। अवंती फीड में हमारा स्विंग ट्रेड पूरा हुआ था। देखते हैं आज क्या हुआ है। सी, जो अल्टीमेट टारगेट है, ओके, उसको टच करने की कोशिश की थी, बट रिजेक्शन, चूंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है तो रिजेक्शन मिला। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। डीबी रियल्टी, सी, 10% का सर्किट लगा। ऑल राइट, गैप ओपन हुआ, वॉल्यूम तो अच्छे थे। ऑल राइट, चलिए कॉफी डे। गैप ओपन हुआ बट ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल गया। ऑल राइट, ऊपर से डबल टॉप बना करके लास्ट वीक को हम देखते हैं डबल टॉप बनाने के लिए, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस रखा होगा वो लोग खुद को बचा लिए होंगे। ऑल राइट, तो दिस इज़ द ब्यूटी, डबल टॉप सेम डे बना करके नीचे आ गया। चलिए अगला चलते हैं। इन्फी एज आई सेड स्प्रिंग 20 में चल रहा है बहुत अच्छा, जिन्होंने कंटिन्यू रखा होगा स्विंग ट्रेड की पोजीशन को। आज अगेन 2.45% ऊपर पे क्लोज किया है, फिबोनाची के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और दूसरा ये जो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है उसकी तरफ अब ये जा रहा है। इसके बाद अगला लोधा, ओके, एज आई सेड कि जो स्विंग लेवल है 1225 का, उससे रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है और नीचे के जो गैप्स उसको कवर करने आ सकता है। शार्प वही गैप्स इसने कवर किए। सो मैंने ये कैसे कहा, इसीलिए मैंने कहा कि सीखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है। दैट्स वाई एनरोल द कोर्स। ओके, चलिए अगला कोफोर्ज। गैप अप ओपन हुआ और जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोज हुआ है। ऑल राइट, अब देखने वाला यहाँ पर होता है कि इसी लेवल को ये फर्दर बेस बना, कल अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो इसमें फिर से हम लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं। इसके बाद अगला ONGC। आई होप लर्निंग और रनिंग की जर्नी में आपको मज़ा आ रहा होगा। सी, ONGC ऑल्सो 4.52% अप। ओके, कैसे पता चलता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं। सी, लास्ट बॉटम को बेस बना करके ऊपर गया। सो दिस इज़ द ब्यूटी, कैसे पता करेंगे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट लेना है, सब चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे। यूनियन बैंक, सी, 2.21% क्लोजिंग, स्विंग के ऊपर था, गैप ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोज किया। दैट्स द ब्यूटी। इसके बाद फाइम इंडिया, फेम इंडस्ट्री, सॉरी, सी, गैप अप ओपन हुआ, क्लोज के ऊपर हुआ। अब कल के दिन कैसे क्या देखना है बता देता हूँ। यहीं से अगर गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को बेस बनाता है, ऑल राइट, और एक बार सस्टेन कर जाता है 2517 के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग का कंटिन्यू होगा। ऑल राइट, इसके बाद अगला है फेम इंडस्ट्री। इसके बाद मास्टेक, कंसोलिडेशन हो गया, क्लोजिंग क्या है, डोजी है, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन सकता है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होता है देन वी नीड टू वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ से सिंक भी कर सकता है, एक इवनिंग स्टार भी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। अगला विप्रो, मज़े की बात यही है कि जिसको आता है, जो सिखाना चाहता है, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करने में बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि मुझे इस समय लग रही है, बट हाँ मुझे ये पता है कि मेरी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी और आप लोग सीखना ज़रूर चाहेंगे। सी, ब्रेकआउट के बाद मैं, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे एक अपना हैंडल बन चुका है ब्रेकआउट होकर के, जो इसका टारगेट है उसके बहुत करीब आ चुके हैं, 546.05। ऑल राइट, यहाँ पर हमारा टारगेट स्विंग ट्रेडर्स को बुक करना। एक्सक्यूज़ मी। ओके, उसके बाद LTTS, गैप ओपन हुआ बट जाते जाते पुल बैक हुआ, स्विंग लेवल से फिर से इससे बाउंस लिया है। नीचे का सपोर्ट लेवल जो कि टेस्ट नहीं हुआ था हमारा 5374 के लेवल, वो टेस्ट हो चुका है। अब फर्दर इसी लेवल पे अगर ये टेस्ट करके फर्दर बाउंस करता है देन वील टेक अ लॉन्ग इन दिस वन। टारगेट्स हमारे फ्रेश एक स्विंग हाई के रहेंगे। ओके, इसके बाद ऐसे फायर फूड्स, सी, कंसोलिडेशन हो गया। ओके,
क्या वेट करना है, इसी लेवल को इसे सस्टेन करना है। ओके कौन सा लेवल सस्टेन करना है, 1438 का लेवल सस्टेन करना है। 1438 का लेवल सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से लॉन्ग हमारा जारी है, टारगेट हमारा यही है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। सफायर रूट के बाद है कैम्स। कंसोलिडेट किया, डोजी फॉर्मेशन में एंड किया। अब हमें ये देखना है कि ये जो लेवल है, इस लेवल को इसे टेस्ट करना है। इसी लेवल को 2831.6 के लेवल को टेस्ट करना है, यहीं से बेस बना करके वॉल्यूम से इकट्ठा करके ऊपर जाना है। सो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा अबव द लेवल ऑफ 2861.35, एंड जो हमारा स्विंग टारगेट है वो है हमारा ये लेवल, विच इज़ द लेवल ऑफ 3042 इन कैम्स। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। कैम्स के बाद है IOC। IOC का स्विंग टारगेट पूरा हो चुका है। ओके अब हम यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ अभी जब आप देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्दी बनने वाली है, तो वी नीड टू वेट एंड वॉच। ओके चलिए अगला देखते हैं, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक लिमिटेड में सी ऊपर जा रहा है, उसको अपना स्विंग टारगेट पूरा करना है। ओके स्विंग टारगेट क्या है हमारा, 1731 का लेवल। ऑल राइट 1731 का लेवल हमारा स्विंग टारगेट है। चलिए आगे देखते हैं एस्कॉर्ट्स। तो ये इतना परफेक्शन कैसे आता है, प्रैक्टिस से ही आता है, सीखने से आता है, टाइम देना पड़ता है। ओके सी धीरे धीरे करके एस्कॉर्ट भी खुद को उठा रहा है। ओके हमें एक बार इसको सस्टेन कराना है 3018 के ऊपर। 3018 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, देन यहाँ से एक अच्छा पुल बैक ऊपर की साइड मिलेगा, और ये जो नेक है ये वाली, ये जो स्विंग है ये ब्रेक होगी। ओके अगला GPPL। कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 169.15 पे रेजिस्टेंस है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो ये लेवल कैसे निकला इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कोर्स, किस तरीके से हम लेवल्स निकालते हैं, ब्लू लाइन क्या मैं बनाता हूँ, येलो लाइन में क्या बनाता हूँ, व्हाइट क्या होती है, टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, पैटर्न्स कैसे स्पॉट करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा। इसके बाद अगला है वोल्टास। अगेन वही भी लेवल है 106.95, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पे है रेजिस्टेंस। ऑल राइट तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्क। उसके बाद टॉरेंट फार्मा। फिबोनाची लेवल इसको अपना टच करना है। ओके फिबोनाची लेवल पे इसका टारगेट है। ओके विच इज समय लेवल दो 52547 का लेवल, और वहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। अराउंड 60 से 70 पॉइंट्स का मूवमेंट अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा था कि ये अपना एक सी कंसोलिडेट कर रहा है अभी ये। इसको आप एक फ्लैग भी कह सकते हैं कि फ्लैग के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एक चैनल के अंदर कर रहा है, एक वेज के अंदर कह रहा है चल रहा है, ये भी कह सकते हैं आप। ओके सी आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। चलिए अगला है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मूविंग एवरेज से ही इसने पुल बैक लिया। ऑल राइट अब मूविंग एवरेज तक ही गया, तो समटाइम्स मूविंग एवरेजेस भी काम करते हैं एक अच्छा पुल बैक देने, क्योंकि जब यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ और मूविंग एवरेज पे ओपन हुआ तो हमें यह यहाँ पे कंफर्म होगी कि अभी मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाए, क्योंकि देखिए जहाँ पे इसने क्लोज किया था वहाँ से इसने ऊपर बाउंस करके ओपन किया, तो यहाँ से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हमको आज के दिन में क्लिक करी। ठीक है अब अगर कल भी गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे जो ये लेवल्स हैं ओके इनके ऊपर अगर ओपन हो जाता है 1560 के ऊपर, तो यहाँ से फिर से ये पुल बैक ले सकता है और एक बार को रिटेस्ट करने आ सकता है अपना ये लेवल 1640 का।
लेवल्स निकालना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। येलो लाइंस ब्लू लाइंस क्या है, कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या है दोनों में फ़र्क, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद अगला एम सी एक्स सी एज आई सेट की, यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, ये बाउंस करेगा और बाउंस किया। बहुत लोगों ने इस कैंडल में समझ लिया होगा कि यहाँ से फिर और ये डिक्लाइन करेगा, ऐसा नहीं है। ये कैसे निकाला, क्या है इससे पीछे का लॉजिक, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद इमामी लिमिटेड, एज आई सेड यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट बना सकता है, उसी को सपोर्ट बनाया, और जो कि गैप अप ओपन हुआ तो मैंने बोला था यहाँ से पुल बैक लेगा। यहाँ से बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड का भी कंफर्मेशन हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये कब पूरा होना है। ओके, सो बी रेडी द स्विंग ट्रेडर्स। सी, मैं आप लोग को एकदम क्लियर कट बताता हूँ ना, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा है जो एनालिसिस में बताता हूँ फिर नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस भी बताता हूँ। बट हाँ, मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोई प्रचार प्रसार कोई ऐड नहीं लगा रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि लोग खुद से जाने, खुद से रीच करें, ताकि जो सीखना चाहता है, जो एलिजिबल हो, जो सीखना चाहता हो, जिसके दिमाग में कीड़ा हो कि नहीं मुझे मार्केट को क्रैक करना है, वही लोग मुझे रीच कर सकें। दैट्स वाई मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। आप लोग स्पॉट करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग खुद ही अप्रोच करेंगे। इसके बाद यस बैंक, स्विंग का टारगेट पूरा हो चुका था, ठीक है। एंड एज आई सेड, यहाँ पे जो लेवल है 24.75, उसको रिटेस्ट करके बेस बनाना बहुत ज़रूरी। अब फ्लैट उसी पे क्लोज हुआ है, और फर्दर इसी पे अगर बाउंस करके ओपन होता और इसी लेवल को रिटेस्ट करता तो यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं, आयोन एक्सचेंज। जैसे सेट कि यहाँ पर मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिल सकता है, गैप अप ओपन हुआ बट मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका मिला, और एक नीचे का 100 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करने का इसने मौका दिया पूरा, उसी के ऊपर इसने भी क्लोजिंग दी। अगर कल गैप अप ओपन होता और इसी हिस्टोरिकल वाइट ट्रेंड को जो मैंने खींच रखा है इस पर बेस बना करके ऊपर जाता है, देन वहाँ से फिर से एक लॉन्ग का सिलसिला जारी हो जाएगा। ओलेट, और यदि गैप डाउन होता है तो रीटेस्ट करके नीचे जाना फर्दर शुरू करता है, तो फिर से शॉर्ट की इसमें एंट्री बना सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा समवेयर डाउन टू द लेवल ऑफ 540.5 के लेवल भी इसको एक बार रिटेस्ट करना है, उसके नीचे जाएगा तभी क्रैक करेगा। एंड उसके नीचे का टारगेट्स हम आपको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, या फिर एक रफली टारगेट में देना चाहूँ तो नीचे कोई फिर से एक बार 508.15 तक के लेवल को आ सकता है, यदि ये रेजिस्टेंस लेके फर्दर नीचे आता है तो चांसेस बहुत हाई है कि बाउंस करके ऊपर जाएगा। बट येस, हमें अपने अजम्पशंस पर नहीं चलना है, मार्केट जिस तरीके से हमको दिखा रहा है उस तरीके से हमको मार्केट को रन करना है। उसके बाद अगला गुड़िया, मैंने क्या कहा था, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो, आप जाके उठा के देख सकते हैं गुडियर के बारे में। ओके, या चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो में लेके चलता हूँ कि मैंने गुडियर के बारे में क्या कहा था। चलिए, लेट्स गो टू द लास्ट वीडियो। टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है वर्क के साथ मन लगे रहने के लिए। भाई म्यूज़िक मुझे ज़्यादा मोटिवेट करती है। ओके, चलिए मैं चैनल पर ले चलता हूँ आपको उस वीडियो पे जहाँ पे हमने बात की थी आयोन एक्सचेंज के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए पार्ट टू की शुरुआत करता हूँ मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोरेंट फार्मा के बाद है हमारे पास अगला, ओपन होता है और फॉल करना शुरू करता है बिलो।
अभी मैं वॉच कर रहा हूँ बहुत समय से, और इसमें बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड भी बनने वाला है, बट उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक बार फिर से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते। इसके बाद अगला येस बैंक, इंट्राडे ट्रेड मिला है लास्ट सेशन में। अब हमें देखिए वेट करना दोस्तों, है इसी लेवल को टेस्ट करके, 24.75 को करीब बेस बना करके ऊपर। ट्रेड अभी आप भी लोग एक्टिव डेली है, वीडियोस मैं देखा थोड़ा सा करिए जूम करके दिखा एनालिसिस देता के हूँ, और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के, आपको कुछ समझ में आएगा। सी ओके वीकली, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा मैंने आयन एक्सचेंज के बारे में क्या कहा था। आयोन एक्सचेंज, आयोन एक्सचेंज सी, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस था वहीं से इसने रेजिस्टेंस लेकर के लिया। अब यहाँ पर इसी सॉरी हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन पे बेस गुडियर के बना बारे करके में यदि क्या कहा ऊपर था जाना मैंने, वो चाहता है देखिएगा। और इसका हाई को ब्रीच करता है, ओके, या फिर एक सेफ लेवल ले लेते हैं कि हमें लॉन्ग कब लेना है, सॉरी 600 सी, लास्ट स्विंग को उसने ब्रीच कर दिया, क्लोजिंग उसके देखिएगा नीचे की है, सुनिएगा, ओके। अब हमें क्या वेट करना है कि एक बार यदि रिटेस्ट करना चाहता है, ओके, एक बार अगर ये रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर 1286 का लेवल है, उसको रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेता तो सी यहाँ पे हम शॉर्ट ये मैंने करेंगे, मार्क किया था। ओके, ओके तो ये कैसा निकाला, ये सब चीज़ें क्योंकि यहीं से कोर्स एक का ही जोन भी पार्ट बनता है। है जहाँ से पुल बैक भी ओके ले सकता है, चलिए ओके। वापस आ जाते हैं वीडियो गैप अप को, अगर ओपन होता इस है वीडियो को हम समवेयर नियर कंटिन्यू द नहीं लेवल करते। ऑफ, फिर से आप नोट कर सकते हैं, ओके जैसे कि मैंने बताया था वन यही टू लेवल एट था। सिक्स ओके। ऑल इसके राइट पास ओपन होता है तो यहाँ से बाउंस भी ले सकते मैं हैं। पॉज कर देता हूँ। ओके सी एंड वहीं से इसने रिजेक्शन लिया नीचे गया, एंड नीचे का जो टारगेट बताया था वहाँ तक इसने अपना मूवमेंट दिया। तो दिस इज़ द ब्यूटी कैसे मार्केट को रीड किया जाता है। इसके बाद बोरोस और रिन्यूएबल्स, और यहाँ पर क्या हुआ, चल तो ये फ्लैग के अंदर रहा था बट ये क्या टेस्ट करने आ गया, नीचे का स्विंग टेस्ट करने आ गया। ओके यहाँ पे ये इसको रिजेक्शन मिल गया यहाँ से इस स्विंग लेवल से, जो कि थोड़ा सा अजीब है, बट यस ये रिजेक्शन इसको मिला और इसने बताया भी कि मैं रिजेक्शन लेने वाला, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ वहाँ से इसको पुल बैक मिला। इस लंबी कैंडल फर्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि नहीं यहाँ पे सेलर्स एंटर किए हैं, ओके। इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं, अगला है ल्यूमैक्स टेक्नोलॉजीज। उसी लेवल पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, उसी लेवल पे बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। टारगेट हमारा यही है, हमारा फिबोनाची लेवल टारगेट ऑफ 477, 478, ओके। एंड इसके बाद है डीबी कॉर्प, कैसे मूविंग एवरेज को फर्दर इसने बेस बना करके ऊपर गया। क्या हुआ पिछले स्टॉक में, क्या हुआ जिस स्टॉक में, यू कैन सिंपली सी। अब इसको भी मैं 3 मिनट में आपको दिखाऊं तो यू कैन जस्ट सी व्हाट हैपेंड। अब बुलिश इनगल्फिंग हियर, ऐसे गैप अप हुआ अंदर आया, यहाँ पे इसने क्या बनाया देखिए, ओके डबल बॉटम इसे कहते हैं। ये सब कैसे निकालते हैं, कैसे पता चला, ये सब आपको मैं सिखाऊंगा, ओके। अब यहाँ पे इस फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, नो वी नीड टू सी। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 304.9 के ऊपर, ओके, तब तो और अच्छा है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 332 नेक्स्ट सेशन में ही आ जाएगा, सो वॉचफुल रहिएगा। इसके बाद अगला एस एम एल इशू, क्या हुआ गैप अप ओपन हुआ बट स्विंग से सॉरी मूविंग एवरेज से इसने रिजेक्शन लिया और नीचे को मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आ गया। अब यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल है, ओके। वीकनेस कहाँ होती, वीकनेस होती बिलो द लेवल ऑफ 1306.75। 1306.75 के नीचे जाएगा तब इसमें वीकनेस होगी, और यहीं से अगर ये बाउंस बैक कर लेता है तब फिर से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि अब ऊपर की साइड ही कितना जा सकता है और रिजेक्शन कहाँ पर है। फिलहाल ऊपर के लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, जो कि लेवल टेस्ट नहीं हुआ है हमारा, वो है लेवल हमारा 1452 का इसुजु एसएमएल में, ओके। इसके बाद है गॉडफ्रे फिलिप, अब यहाँ पे क्या हुआ गैप अप के बाद भी ये कैसे गिर गया।
कैसे गिर गया, उसका रीज़न है यहाँ पे ये स्विंग, ये गैप और ये रिजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है इसका। ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, सी अ बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत बड़ी सी, और ये दूसरी कैंडल में रिजेक्शन इसने ले लिया इस स्विंग लेवल से 2197 के लेवल से। तो इसने कंफर्म कर दिया कि नहीं भैया, हम ऊपर नहीं जाने वाले हैं, अब हम आज के दिन में वीक हैं, हम नीचे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है वी ई डी एल, सी गैप तो इसने फिल कर दिया। ओके, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एज आई सेड किस लेवल को उसको टेस्ट करना है, फिर से 270.35 को, वहीं से वॉल्यूम इकट्ठा करके ऊपर जाना चाह रहा है। ओके, वी नीड टू हैव अ क्लोजिंग अबव द लेवल ऑफ व्हाट शुड आई से, यस द लेवल ऑफ 277.85 शार्प, इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है, देन 220.4 और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो ऊपर होगा टू द लेवल ऑफ 296.7। तो स्विंग ट्रेडर्स कैन बी ऑल्सो वॉचफुल इन द स्टॉक। ओके, एंड लास्ट बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाट डिड आई से, गैप अप होता तो मूविंग एवरेज को उसको बेस बनाना चाहिए, इसने वही काम किया आज और कंसोलिडेट करके रह गया आज एक ही दिन में। सो अब यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, और क्या होने वाला नेक्स्ट मूवमेंट इसके बारे में भी बताएं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम डिस्कस के लिए, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लर्निंग और अर्निंग की जर्नी में आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग, आई थिंक आई एम द ओनली वन जो एनालिसिस भी देता है और नेक्स्ट आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बताता है भी कि जो हमने लेवल डिस्कस किए थे वो टारगेट सीट हुए कि नहीं हुए। ओके, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ एनरोल इन द कोर्स। ओके, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट है। ओके, इट्स 15,000 फॉर अ 4-week कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। एंड वन थिंग मोर, ऑल द वीडियोज जो मैं पोस्ट करता हूँ, मैं डिस्क्लेमर बार बार दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके, आई एम हियर जस्ट टू एडुकेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड यस, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है।